वेलकम बैक टू स्वेल रणा यूट्यूब चैनल। हे गाइस, आप सबको स्वागत है मेरा और एक नया ब्लॉग पर। एक्चुअली आई एम इन दादर स्टेशन राइट नाउ एंड आज जो मैं आपको दिखाने वाला जो वेरी चीपेस्ट मार्केट इन दादर, यू विल गेट ऑल द मटेरियल्स, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। सो देखते हैं क्या क्या मिलता है आगे चल के, देखते हैं आपको हर एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आज बहुत अच्छे से मेहनत से मैं वीडियो बनाया हूँ। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो। सो गाइस, एक्चुअली अभी मैं दादर स्टेशन से बाहर आया हूँ। जैसे बाहर आया हूँ ऐसे ही देख रहा हूँ कि जो दादर स्टेशन के बाहर जो ब्रिज है, वेस्ट का जो ब्रिज है, ब्रिज का अंदर ये शॉप एक्चुअली लग रहा है आपको शोरूम में हो, मगर ये शोरूम नहीं है, ये दादर ब्रिज का नीचे। तो इन लोगों ने इतना खूबसूरती से ये दादर का ब्रिज का अंदर नीचे जो शॉप्स बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी रेनी सीजन है, रेनी सीजन का जो भी जितने जूते चप्पल्स यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी के साथ मिल रहा है आपको। यहाँ पे इतने शॉप है कि आप ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, मगर शॉप्स कम नहीं होएगा। तो आपको जैसे टाइप का शूज चाहिए, रेनी शूज या फिर आपको विंटर व्हाटएवर शूज यू वांट इट, यू विल गेट इट हियर। अभी जो है दादर का, एक्चुअली सिर्फ दादर का नहीं है, एक्चुअली ये मुंबई का टॉप मार्केट दादर में है, सबसे बड़ा मार्केट जो है अभी दादर में दिखाई दे रहा है मेरे को। तो ये जो है आप यहाँ पे आपका कोई भी मनपसंद का शूज़ आप ले सकते हो। सिर्फ शूज़ नहीं है यहाँ पे, मैं आपको आगे और भी दिखाते रहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको तो शायद मालूम होगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, मेरे हिसाब से आपको मालूम ही होगा अगर आप मुंबई कर हो। तो आपको अभी पहले ये जो शूज़ है, एक्चुअली ये सब $200 ही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है शूज़। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मिल रहा है। ये देखिए, ये जो है दादर ब्रिज का नीचे ही है, यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे दुकान नहीं बनाया, ऐसे नीचे दुकान रखा है, खोल के रखा है नीचे की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ इट इज़। सो एक्चुअली अभी जो है ये थोड़ा देर में अभी आपको जो है अंदर शॉप्स को वहाँ पे ले जाऊँगा, तो आपको और भी बहुत सारा चीज़ें दिखाई देगा वहाँ पे। दुकान भी है यहाँ पे, दुकान में भी आपको जो भी आपका लाइफ में जो भी सामान चाहिए रहता है यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखिए, लोग जो है जो लोग हैं इनको इसका खरीदारी रहता है जैसे पूजा वगैरह करने के लिए। यहाँ पे बहुत पुराना दुकान भी है और इस दुकान में आपको जो भी मटेरियल्स चाहिए, जैसे आप बहुत पहले से ढूंढ रहे हो मगर यहाँ पे आपको मिल नहीं रहा है, कहाँ से मिलेगा ये सब चीज़ें, वो आज आप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा चीज़ कहाँ पे मिल रहा है। एक्चुअली ये जो चीज़ है ये दादर में ही मिल रहा है। जैसे आप दादर स्टेशन से बाहर जाओगे, ब्रिज से नीचे से थोड़ा आगे जाके लेफ्ट साइड में जाओगे, जहाँ पे एक्चुअली बोला जाता है कि कबूतर खाना, वहाँ पे सबसे वीडियो से पहले शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाया थोड़ा कबूतर लोग जो है खाना खा रहा है वहाँ पे, जो है उसका बैक साइड में उसका सामने ही है जो है ये सब शॉप्स है। यहाँ पे आपको जो भी सामान आपको पूजा वगैरह के लिए अगर चाहिए रहेगा तो यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ आप जाके वहाँ भी ले सकते हो, देयर इज नो वरी। एंड ये सब जो मटेरियल्स हैं ये सब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, एक्चुअली सस्ता में ही है, दादर का जो स्टेशन से बाहर ही है। तो यहाँ तक आप ये जो है आप शायद पहले भी देखा होंगे और अभी आपको मिल नहीं रहा है, तो ये चीज़ आपको अभी आसानी से मिल जाएगा, आपको अभी ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। जो है बहुत बड़े बड़े दुकान हैं, दुकान के अंदर जो है सामान जो है छोटे से छोटे भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हाई पे दुकान हो गया है, बड़ा बड़ा दुकान है तो फिर हमको चीज़ नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे मिलता है, खिलौना हो या पूजा का चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, शादी के लिए हो, किसी किस चीज़ के लिए भी हो, यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाती है। ये फैंटास्टिक, एक्चुअली इसको मैं बोलूँगा कि फैंटास्टिक मार्केट है, बहुत बढ़िया मार्केट है ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलता है, जो आपको पुराना ज़मानों का जो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आपको आप देर किस बात की, आप जा सकते हो और यू कैन शॉप फॉर योर सेल्फ। सो गाइस, और भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप ये शॉपिंग करके थक जाओगे ना, थकने के बाद जैसे इससे ये जो है ये सब कपड़ा वड़ा है यहाँ पे, ये है ना ऑपोजिट साइड में ना, आपको खाने पीने का भी चीज़ मिलेगा यहाँ पे, वड़ा पाव, समोसा पाव, दही पूड़ी, यहाँ पे गुजराती लोगों का भी खाना भी यहाँ पे मिलता है, आपको जो चीज़ चाहिए खाने के लिए वहाँ पे आपको मिल के खा लाना चाहिए,
खा सकते हो आप, ठीक है। और ये जो है ये एक्चुअली रोड के बाहर, रोड में जो दुकान लगाते हो, जैसे आपको पर्स वगैरह है, ये ब्लाउज़ वगैरह है, ये सब 100 रुपये में मिलता है, 50-60 रुपये मिल रहा है यहाँ पे ये सब सामान है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा वैराइटीज़ मिलता है, यहाँ पे बहुत सारा वैराइटीज़ मिलता है। ये जो एक राइट साइड से दुकान है, मैं एक्चुअली आपको दुकान का नहीं दिखा रहा हूँ ज़्यादा करके, क्योंकि दुकान तो आपकी तरफ भी होंगे, लेकिन दुकान की जो वैराइटीज़ है वो सब जगह में नहीं मिलता है। ये जो है ये 200-250 वाला ही जो चूड़ीदार है ये सब मिलेगा आपको, या फिर ये सब जो है बाहर ही है, रोड पे है, ऑन द रोड इन लोगों ने दुकान लगा रखा है। मगर अभी जो है थोड़ा ये देख, लेडीज पर्स है, या फिर ये भी 200-250 का ही है, 100-150, 200-250 का अंदर ये सब सामान यहाँ पे मिलता है। तो एक्चुअली अभी जो है कैसे कि रेनी सीजन है ना, इसके लिए लोग दुकान लगा नहीं पा रहा है, और जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी बारिश आने वाला है, और बारिश आते आते इन लोगों को फिर बंद करना पड़ता है, फिर कस्टमर चला जाता है, तो इन लोगों को एक्चुअली दुकानदारी में अभी मज़ा नहीं आ रहा है, इसीलिए उतना इन लोगों का उतना मज़ा नहीं आ रहा है अभी शॉप दुकान डाल के, कि बारिश डिस्टर्ब करता है। और अभी ये सीज़न में तो आपको मालूम है कि अभी जो है लोग गाँव चले गए थे, अभी गाँव से आएगा, अभी स्कूल वगैरह शुरू हुआ है, तो फिर उतना खरीदारी भी नहीं होता, फिर भी लोग लगाते हैं दुकान, जैसे कि लोगों को दुकान लगाना ही पड़ेगा, इसलिए दुकान लगा रहा है। उतना रेनी सीजन में तो उतना बिजनेस नहीं होता है, वो आपको भी पता है कि आप भी कभी कभी घर पे से बाहर नहीं जाते हो, क्योंकि बारिश के लिए बाहर जा ही नहीं सकते, इसके लिए आप बाहर नहीं जाते हो। सो ऐसे ही अगर आप बाहर नहीं जाओगे तो खरीदेगा कौन, अगर इन लोग दुकान लगाते करेंगे क्या, इसके लिए दुकान लगाते मगर खरीदारी थोड़ा कम होता है। सो गाइस वीडियो का एंड हो जाएगा अभी, अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, जब आज मैं वीडियो दोबारा वीडियो अपलोड करो आ जाए आपको।